बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक DIY। तो उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है, ये एक आप फ़ैन हीटर देख रहे हैं, इसके मतलब है ये बिल्कुल न्यू है, ऑन नहीं हो रहा, ना ही इसकी लाइट चल रही है और ना ही कोई ये वर्क कर रहा है। तो इसको चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और आप घर में इसको किस तरह बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको चेक करते हैं और इसको खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट आता है ज़्यादातर और कौन से मसले ज़्यादा इसमें आते हैं। अब करते हैं इसको चेक। ये हमारा सीरियस बोर्ड है लेकिन यहाँ पे ये कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा इसका, तो अब इसको खोलते हैं। यहाँ जो आप होल देख रहे हैं, यहाँ इसके स्क्रू लगे हैं और इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे इसमें लगा है जी एक थर्मोशेड,
और इतना सा पीस आपने लेना है और दोनों पॉइंटों के बीच में से इसको गुजारना है। एक दफ़ा नीचे वाले पॉइंट साफ़ करने हैं और दोबारा जो दूसरे वाले पॉइंट हैं ऊपर वाले वो साफ़ कर देने हैं। इस तरह जो आपने इसको बार बार वहाँ से गुजारना है तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जो हल्का सा कार्बन इसमें आया है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सीरियस बल्ब बिल्कुल ऑन हो गया है इसके ऑन होने पे। तो ये शो करेगा कि ये हमारा हीटर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये देखें, ये फैन भी चल रहा है। तो अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको फिट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप इस तरह के हीटर को ख़ुद घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।